रायचे देख सकते हैं, ये सब आज बनाएंगे छेना खीरी, उसके लिए सब राखी का स्पेशल ये आइटम है, देख सकते हैं ये सब बनाएंगे आज, आपको दिखा दे रहा हूँ, आप जान लीजिए। हमारा पनीर है, उसको ऐसे करा जा रहा है, देख सकते हैं, उसको पूरा पेस्ट जैसा करा जा रहा है, देख सकते हैं, इसको होने देते हैं। और क्या क्या 10 मिनट हो चुका है देख सकते हैं, और ये अभी खत्म होने के लिए आया है, पूरा 10 मिनट कंटिन्यूसली इसको पेस्ट करना है, पूरा कितना प्लेन हो गया। थोड़ा सा घी को पूरा लेना है, उसके बाद उसको गोल गोल घुमाना है, उसको गोल पूरा करना है, करने मम्मी को देते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। गोल गोल हो चुका है, छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा, और इसको होने देते हैं। तो ये पानी ले रहे हैं, गरम कर रहे हैं, अभी पानी गरम होने देते हैं। यहाँ राबड़ी हो रहा है, देख सकते हैं राबड़ी, यहाँ पायस हो रहा है, यहाँ पर मतलब खीरा, खीरा बोलते हैं, खीरा हो रहा है, और यहाँ तो पानी गरम हो रहा है, और पानी में अभी शुगर देंगे, ये जा चुका है शुगर मतलब गरम पानी में, और जो गोल गोल होकर रखा गया है उसको यहाँ पर छोड़ देना है, थोड़ा सा गरम होकर उसको देते हैं, ये बबल बबल सब निकलेगा, उसके बाद जो गोल गोल है उसको साफ छोड़ देना है। ये गोल गोल आ चुका है, और यहाँ देख सकते हैं कितनी जोर से अभी इसको अभी साफ छोड़ देना है, उधर से कितना गोल गोल क्यूट क्यूट से, एक खा लेता हूँ, इसको ढंग देना है, खीरा हो रहा है उसमें शुगर अभी देंगे, और इसका भी टाइम आ चुका है, उसको भी इसको भी खोलेंगे, 4-5 मिनट हो चुका है, वाओ कितना अच्छा हुआ है, इसको निकालेंगे, देख सकते हैं ये थोड़ा सा फूल चुका है, तो ये जो खीर में उसको छोड़ देना, आज हो रहा है छेना खीरी, ये एक ओडिशा का एक आइटम है, ये हो गया, और भी ज्यादा है, और 3-4 में खा गया था कैमरा के पीछे, और इसको मिक्स कर रहे हैं अभी, खाने के बाद पता चलेगा कितना टेस्टी था, देख सकते हैं जा रहा है पिस्ता, और अभी इलायची देंगे, यहाँ इलायची, तीन चार, उसको सब जा चुका है, अभी इसको निकाल, हमारा छेना खीरी, और इसको आपको खा कर थोड़ा सा ठंडे होने देते हैं, ठंडे होने के बाद आपको बताऊंगा मुझे कैसा लगा। ये देख सकते हैं मेरा खाना आ चुका है, और आज पराठा हुआ है, या आलू दम, और ये है छेना खीरी, इसको अभी टेस्ट करता हूँ एक पीस, और आपको बताता हूँ, बहुत ही टेस्टी है ये, आप घर पे बनाइए और खाइए, और मेरे वीडियो में एक लाइक और शेयर कर कमेंट दे दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको मैं मतलब रुक नहीं पा रहा हूँ, खाने के बाद आपसे मिलता हूँ, ऐसे आउट ऑफ बजा देता हूँ।